हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं रूबी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल रूबी गुप्ता ब्लॉग में। आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। ये है आपका मूंग दाल का टोस्ट, बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला ये हमारा नाश्ता जो 10 मिनट में रेडी होने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मूँग दाल, 1 घंटे के बाद अब हम इसे छान के निकाल लेंगे पानी से और इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। ये देखिए आपका फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है मूंग दाल का। अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेगीज, फाइन चॉप्ड ओनियन, फाइन चॉप्ड कैप्सिकम, फाइन चॉप्ड कैबेज, कोरिएंडर लीव्स, चॉप टोमेटो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे बेगीज जो है वो आपस में मिल जाए और एक अच्छा पेस्ट तैयार हो जाए। 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स प्रॉपरली। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून इनो पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा पानी, इनो को भी अच्छे से बैटर में मिक्स करेंगे। अब एक ब्रेड लेंगे और उसे गरम तवे पे रखेंगे। दोनों साइड में हमने बटर लगा के सेक लिया है। अब हम इस पर वेगीज वाला मूंग दाल बैटर स्प्रेड करेंगे। ब्रेड को अच्छे से कवर करेंगे। दूसरे साइड से भी हम बैटर को लगा के तैयार करेंगे। दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। आप इसमें चाहे तो बहुत सारी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं सब्जियां खाते वो इस तरीके से खाना पसंद करेंगे। ये देखिए हमारा टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल टोस्ट तैयार हो चुका है। आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा।
कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।